हेलो एवरीवन, आज मैं आपको दुपट्टे के ऊपर कटवर्क कैसे करते हैं या किसी भी फैब्रिक के ऊपर कटवर्क कैसे करते हैं ये बताऊंगी। ये आज मैं मशीन के साथ कटवर्क कैसे करा जाता है ये बताऊंगी। इसके लिए सबसे पहले हम मशीन, जो स्विंग मशीन है जिससे हम कपड़े सिलते हैं, उसी को मैंने सेट करा हुआ है मशीन एम्ब्रॉयडरी के लिए। इसकी वीडियो मैंने पहले सेटिंग करते हुए डाली हुई है यूट्यूब पर, आप उसको देख सकते हैं। आज मैं आपको कटवर्क बताऊंगी। सबसे पहले हम जो हमारी आउटलाइन जो है उसके ऊपर रनिंग स्टिच करेंगे। ऐसे रनिंग स्टिच करते हुए उसको ऐसे जिस पे कटवर्क करना है उसके ऊपर मशीन को धीरे धीरे, मैं पैरों वाली मशीन का यूज़ कर रही हूँ, पैर धीरे धीरे चला के मशीन भी धीरे धीरे चलेगी। इससे हम आउटलाइन कर लेंगे इस तरह से। इसकी आउटलाइन हम डबल करेंगे दो बार, एक बार करने के बाद दूसरी बार फिर ऐसे ही करेंगे। इसके ऊपर फिर हम धीरे धीरे साटन स्टिच जो है स्टेम के ऊपर साटन स्टिच से स्टेम बनाएंगे। ऐसे ऐसे धीरे धीरे फ्रेम को हिलाएंगे। अब जिस पट्टी पे हमने कट वर्क करना है उसको हम सीजर से उसके सेंटर में ऐसे होल कर लेंगे। पत्ती को ज्यादा बड़ा कट नहीं लगाएंगे इस तरह से। फिर जहां से कट करा अंदर से बाहर की तरफ मशीन से साटन स्टिच बनाएंगे ऐसे। अब जो पत्ती की जो यहाँ पे साइड है यहाँ से लेके हम लीफ की नोक में ऐसे सीधा एक स्टिच धीरे धीरे मशीन को हाथ से घुमा के से तीन बार ऐसे स्टिच लेंगे। फिर उसके बाद अंदर से इसके ऊपर मशीन इस तरह से चला दी। फिर आगे वाली जो पत्ती है उसमें हम रनिंग स्टिच से ही आउटलाइन करके उसको अंदर से ऐसे भर देंगे। ये हम साटन स्टिच से बना रहे हैं इसकी जो स्टेम है डिजाइन की। फ्लावर की आउटलाइन रनिंग स्टिच से करके उस पर भी हम साटन स्टिच से ऐसे लीफ बना देंगे। फ्रेम को बहुत धीरे धीरे और मशीन का दोनों की जो है सेटिंग धीरे धीरे चलाने से हो जाती है।
बार के सेंटर में हम होल वर्क करेंगे। इसके सेंटर में हम रनिंग से आउटलाइन करके इस तरह से दो बार आउटलाइन करेंगे। फिर सीजर से या किसी भी तीखी नोक वाली चीज़ से हम सेंटर में ऐसे होल कर देंगे। होल करने के बाद सेंटर में से नीडल को बाहर की तरफ ऐसे थोड़ा हाथ से चला के फिर पैर मशीन पे चलाएंगे और इस तरह से होल वर्क हो जाएगा। ये पत्ती भी हम जैसे पहले हमने बनाई है उसी तरह से इसकी डबल आउटलाइन करने के बाद सेंटर में से कट लगाएंगे। फिर साटन स्टिच मशीन का जो साटन स्टिच है उसको धीरे धीरे मशीन चला के पत्ती के बिल्कुल सेंटर में से हम ऐसे एक लॉन्ग स्टिच दूसरी तरफ लेके जाएंगे। फिर पहले जहां से लेके तीन बार ऐसे करेंगे। फिर मशीन को जो हमने सेंटर में लूप की तरह लंबा स्टिच लिया उसके ऊपर इस तरह से इसको बना लेंगे। जो स्टेम स्टिच में हमें रनिंग स्टिच करना है उसमें दो बार रनिंग स्टिच करके फिर उसके ऊपर साटन स्टिच जो है उसको इस तरह से धीरे धीरे मशीन चला के बनाएंगे। इस तरह से हम कटवर्क किसी भी कपड़े पे बना सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।